मित्रों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय TGT PGT 2019 की वैकेंसी में तीसरी लैंग्वेज के ऊपर, इसमें कैसे प्रश्न आएंगे और आपकी तीसरी लैंग्वेज कौन सी होगी, उसमें हमें मिनिमम कितने नंबर लाने होंगे, इस पे हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा है कि नवोदय विद्यालय तीसरी लैंग्वेज के बारे में हमें बताइए, तो हम इसमें आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे हम PGT के एग्ज़ाम के बारे में। आपका पेपर कितने नंबर का आएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, PGT में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक 180 नंबर का आएगा, जिसमें से 150 नंबर की ही मेरिट बनेगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्ट 5, इसमें 15-15 नंबर की हिंदी और अंग्रेज़ी आएगी, सामान्य हिंदी और सामान्य हिंदी, जिसमें कि आपको 1/3 मार्क्स लाने होंगे, यानी आपको दोनों में कम से कम 5-5 नंबर या इससे अधिक लाने हैं। सपोज करिए आपके अंग्रेज़ी में 4 ही नंबर आते हैं, तो फिर आपके उत्तर कुंजी का या आपके OMR शीट का मूल्यांकन नहीं होगा और आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो यानी आपको ये वाला पार्ट क्लियर करना ही होगा, जिसमें 15 नंबर की हिंदी अंग्रेज़ी में आपको कम से कम 5+ नंबर लाने होंगे। यदि आप 4 ही नंबर ला पाते हैं या इससे कम नंबर लाते हैं, तो फिर आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे 15 नंबर की आएगी, 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड 20 नंबर का, और सब्जेक्ट नॉलेज आपकी आएगी वो 100 नंबर की आएगी। और जो यहाँ पे पांचवा पार्ट है, ये आपका खाली क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें 1/3 मार्क्स लाने हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हम TGT मिसलेनियस टीचर के सिलेबस के बारे में। यहाँ पे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक 135 नंबर का पेपर आएगा, और उसके बाद यहाँ पे पार्ट 5 में 45 नंबर के सवाल आएंगे। इसमें हमें पार्ट 5 में 15 नंबर का हमारा हिंदी और अंग्रेज़ी तो आएगा ही आएगा, साथ ही यहाँ पे लोगों ने पूछा है कि हमारी तीसरी लैंग्वेज कौन सी होगी, जिसमें लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, और उसमें किस तरह के सवाल आएंगे। तो आपको बता दूं, हिंदी इंग्लिश के अलावा हमें एक और लैंग्वेज एग्ज़ाम के लिए चूज़ करनी है, जिसमें कि नवोदय विद्यालय में 19 भाषाओं या मातृभाषाओं में पढ़ाई होती है, तो उसमें से हमें एक भाषा चूज करनी है, यानी हिंदी और अंग्रेज़ी तो 15-15 नंबर की हमें लेनी है, उसके अलावा हमें 15 नंबर की एक और मातृभाषा यहाँ से चूज करनी है, या तो हम SME चूज करेंगे, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, बोडो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गारो, खासी, मिजो और इंग्लिश। इसमें से हमें केवल एक ही भाषा को पिक करना है। सपोज करिए आपने हिंदी चूज कर ली है, तो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, और फिर आपकी जनरल हिंदी से 15 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। या सपोज करिए आपने 15 नंबर हिंदी और 15 नंबर इंग्लिश तो सभी में आएगी, और आपने यहाँ से बंगाली चूज किया, तो 15 नंबर की यहाँ पे बंगाली के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। या आपने तीसरी लैंग्वेज के रूप में अंग्रेज़ी को भी लिया है, तो भी 15 नंबर की हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन है, और 15 नंबर की अंग्रेज़ी से संबंधित सवाल आपके लिए आएंगे। तो इस तरह से इसमें भी आपको 1/3 मार्क्स लाने हैं, यानी कि आपको प्रत्येक भाग में 15 नंबर सामान्य हिंदी, 15 नंबर अंग्रेज़ी, और 15 नंबर आपकी जो तीसरी लैंग्वेज है उसमें से आपको
कम से कम 1/3 मार्क्स लाने हैं, तो कम से कम एक पार्ट में आपको 5 नंबर लाने हैं, चाहे वह सामान्य अंग्रेजी हो, सामान्य हिंदी हो, या आपकी जो आपने तीसरी लैंग्वेज चूज करी है उसमें 5 नंबर लाने हैं। अगर आप किसी भी पार्ट में 5 से कम नंबर लाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आप अगर 135 नंबर में से 135 नंबर भी लाते हैं, और सपोज़ करिए आप यहाँ 45 में से अलग अलग भागों में 5 नंबर से कम लाते हैं, तो आपका मूल्यांकन नहीं होगा। इसलिए हम आपको यही सुझाव देते हैं कि आप 5वें भाग की विशेषकर तैयारी करें, क्योंकि बहुत से लोग 135 में से 120 नंबर ला सकते हैं, किंतु यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी या फिर उन्होंने जो भी तीसरी लैंग्वेज ली है वहाँ पे वो 15 में से 5 नंबर यानी 1/3 मार्क्स नहीं ला पाते हैं। और जब यहाँ 5 नंबर नहीं आएंगे 15 में से किसी भी एक भाग में, तो आप पूरे कंपटीशन से ही बाहर हो जाओ। इसलिए यहाँ पे आपको विशेषकर पार्ट 5 के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे तीसरी लैंग्वेज में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको बता दूँ यहाँ पे सामान्य हिंदी के 15 नंबर पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी से भी 15 नंबर का पूछा जाएगा, और फिर जो आपकी तीसरी लैंग्वेज होगी वो पहली और दूसरी से थोड़ा हार्ड लेवल का पूछा जाएगा। यानी आपने अगर सपोज कीजिए दूसरी लैंग्वेज, या आपने पहली लैंग्वेज अंग्रेजी चूज की है और आपने तीसरी लैंग्वेज भी अंग्रेजी चूज की है, तो थोड़ा अंग्रेजी का लेवल हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए आप तीसरी लैंग्वेज के लिए विशेषकर फोकस करें, जिसमें से आपको 1/3 नंबर लाने होंगे, यानी 5 नंबर आपको 15 में से लाने ही हैं। तो इसलिए ये देखिए, ये पुराना पेपर है जिसमें से सामान्य अंग्रेजी का ये पेपर है। सामान्य हिंदी का पेपर हमने अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप उसे देखिए कि सामान्य हिंदी में कैसे प्रश्न आते हैं। ये सामान्य इंग्लिश का पेपर है, और सामान्य इंग्लिश और हिंदी के बाद जो आपकी तीसरी लैंग्वेज होगी उसका लेवल सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से ज़्यादा कठिन होगा, और आपको 1/3 मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी आपको 15 में से 5 नंबर आपको लाने ही हैं, और 5 नंबर आपके नहीं आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसलिए आप नवोदय विद्यालय में 5वें भाग पर विशेष ध्यान दीजिए, और हमारे नवोदय विद्यालय से संबंधित अन्य वीडियोस को ज़रूर देखें, जिसमें हमने नवोदय विद्यालय TGT PGT के प्रश्न पत्रों पर चर्चा की है। अपने YouTube चैनल पे हमने उन वीडियो को अपलोड किया हुआ है, जिसमें कॉमन पेपर भी हैं और उनमें TGT PGT के अन्य सब्जेक्टों से संबंधित प्रश्न पत्र भी हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। पुराने प्रश्न पत्रों में किस तरह के प्रश्न आए हैं और उसी तरह के प्रश्न 2019 में भी आ सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपका अगर कोई सुझाव हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।